पांच राज्यों के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब सभी को परिणाम का इंतजार है, लेकिन परिणाम से पहले ही एग्जिट पोल आ गए हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पांच राज्यों के मतदान के बाद अब सभी को परिणाम का इंतजार है, लेकिन परिणाम से पहले एग्जिट पोल ने अपने आंकड़े खोल दिए हैं। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीत मिल रही है, जिससे कांग्रेस को 57 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया, जिससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो सकता है। तो क्या बोला है सीएम बघेल ने, आप भी सुनिए। मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? सात हुए, सात एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन दो दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, ठीक है। उससे और अधिक जाएगा, वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायक को शिफ्ट करने की कोशिश? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। तो लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी किसी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे? तो आपने सुना कि सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 57 का एग्जिट पोल आंकड़ा पलटकर 75 होगा, दो दिन रुकिए। वहीं आपको बता दें कि नवंबर में जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां दो चरणों में मतदान हुआ। इस बार 76.31% मतदान संतोषजनक रहा, जो 2018 के चुनावों में दर 76.88% से थोड़ा कम है। तो वहीं लोग सांस रोककर 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन मतों की पेटी खुलेगी और कैंडिडेट जीतेगा हारेगा इस बात का फैसला भी हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।